हेलो, इस वीडियो में आज हम देखेंगे दा कहाँ कहाँ आएगा फुल लेटर। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं अपन दा। ठीक है, दा प्लस वोवेल। अगर दा वोवेल के साथ आएगा तो अपन उसे क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। जैसे दी आंट, दी एप्पल, दी ऑरेंज। ठीक है, लेकिन अगर दा कॉन्सोनेंट के साथ आता है सोते उसे अपन दा ही पढ़ेंगे। जैसे द रॉक, द कार। दा लगाना 100% जरूरी। कहाँ कहाँ ऐसा है जहाँ दा लगाना ही है, जी अपन को बुकों में भी पढ़ाया जाता है और नोट्स में भी रहता है। जैसे पहाड़ों, नदियों, ठीक है, धर्मों, किसी भी धर्म की बात हो रही हो, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बात हो रही हो, जैसे गीता, कुरान, रामायण, विकसित देश जैसे अमेरिका, दिशाओं, ठीक है, साउथ, नॉर्थ, ये सब, और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, महान व्यक्तियों, अगर किसी महान व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, देशभक्तों की बात हो रही है, और 7 अजूबों। ठीक है, जहाँ भी अच्छे से देख लो, इन सब के बारे में बात हो रही हो, जूम करके देख लो। ठीक है, तो वहाँ अपन को दा लगाना ही है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, यहाँ लिखा है आई हैव सीन द ताजमहल। ठीक है, अगर अपन तो अपन ताजमहल के साथ तो दा लगाएंगे ही। ठीक है, और आई लिव इन द अमेरिका। ठीक है, इसके साथ भी अपना दा आएगा क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है। ठीक है, अब अपन और देखेंगे और प्रकार से मिस्टेक कैसे होती है। मैंने कल एक मूवी देखी। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाना है, मूवी बड़ी अच्छी थी। तो नॉर्मली अपन ऐसे बना देते हैं आई वॉच द मूवी स्टरडे। ठीक है, मूवी वाज वेरी गुड। यही अपन रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि इसमें इसका अर्थ ये निकल रहा है कि हमने एक मूवी देखी। ठीक है, कल। ठीक है, हमने कल एक मूवी देखी और दूसरे में आ रहा है कि एक मूवी वो अलग थी और जो मूवी अच्छी लगी वो अलग थी। ठीक है, जो हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन अपन उसका सेंटेंस ऐसे बनाएंगे आई वॉच्ड अ मूवी स्टरडे, द मूवी वाज वेरी गुड। ठीक है, अगर किसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर उसको तो अपन उसका जो पहली बार वो आएगा तो वहाँ ए एन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार उसी के बारे में बात कर रहे हो तो फिर अपन दा लगा देते हैं। ठीक है, एक से अनेक बार आए तो फिर दा यूज करने लगते हैं, उसके पीछे उसके नाम बार बार नहीं करते। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ और अपन देख रहे हैं, यदि खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान सामने हो, ठीक है, तो दैट आता है। यदि खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बात चल रही हो और वह पहले और वह वो क्या हो आपके सामने ना हो, ठीक है, तो उससे पहले दा लगेगा। वह आपके दिमाग में चल रहा हो पर वो अपने आपके सामने ना हो। जैसे जैसे कि दो उदाहरण दिए गए हैं, आई लाइक दैट टी और आई लाइक द टी। जैसे अपन कहीं से गुजर रहे हैं, ठीक है, और कोई चाय वाला है जो चाय बेच रहा है, तो अपन को उसकी चाय बहुत अच्छी लगती है, तो अपन वहाँ से गुजरेंगे या वो अपने सामने है, अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं तो अपन क्या कहेंगे, आई लाइक दैट टी। लेकिन अगर अपने घर आ गए हैं, अपने ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं और उसी चाय वाले की या चाय की बात चल रही है, तो फिर अपन क्या लगाएंगे, आई लाइक द टी। ठीक है, तो समझ गए कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ आएगा, इसलिए अब मिस्टेक ना करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो हमें कमेंट में करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करें तो हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।